हेलो दोस्तों, मैं गुणजीत डिजी ग्लोब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखेंगे वोटर लिस्ट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें, और वो भी अपने एरिया की। हाउ टू डाउनलोड वोटर लिस्ट ऑनलाइन ऑफ योर एरिया। तो चलिए दोस्तों, पहले एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप एड्रेस बार में टाइप करें eci.nic.in। उसके बाद आप सर्च करें। उसके बाद दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ऐसा पेज आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे चले जाए और PDF इलेक्टोरल रोल इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद दोस्तों, इंडिया के जो सारे के सारे स्टेट हैं, यहाँ पे सारे के सारे स्टेट आ जाएंगे। तो उसके बाद आप अपने स्टेट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों, आप यहां से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों, पोलिंग स्टेशन, आप जहां पे वोट डालने जाते हैं वहां का पोलिंग स्टेशन यहां से डाल दें। उसके बाद दोस्तों, यहां पे कैप्चा भर दें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। ये देखिए दोस्तों, एक नया ऑप्शन आ गया, डाउनलोड PDF। यहाँ पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे स्क्रीन पे राज्य हरियाणा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी फतेहाबाद हमने जो सिलेक्ट की थी, उसका वोटर लिस्ट हमारे स्क्रीन पे आ गया। तो दोस्तों, ये देखिए वोटर लिस्ट। उसके बाद दोस्तों, ये वोटर लिस्ट आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए डाउनलोड ऑप्शन आ गया। आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, गौर करने वाली बात ये है कि इस ECI के वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे स्टेट का लिंक दिया हुआ है जो ठीक तरह से काम नहीं करता। तो दोस्तों, जैसे गोवा को ले लेते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, ये ठीक तरह से ओपन नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इसके लिए क्या किया जाए? तो दोस्तों, मेरे पास एक ऑप्शन है। आप एड्रेस बार में जाए और CEO. आप अगर गोवा से हो तो यहाँ पे गोवा लिख दें। आप अगर यूपी से हो तो यहाँ पे यूपी लिख दे। इंडिया के आप कहीं स्टेट से हो, आप अगर जिस किसी स्टेट से हो उस स्टेट का आप यहाँ पे नाम लिख दे। तो मैं यूपी लिख देता हूँ। उसके बाद आप सर्च कर दें। ये देखिए दोस्तों, इस पेज में तीसरी नंबर पे जो लिंक है, सिर्फ इलेक्टोरल ऑफिसर, उस लिंक पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए इलेक्टोरल रोल PDF, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद शो पे क्लिक कर दें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर है। उसके बाद पोलिंग स्टेशन का नाम है यहाँ पे। इसका मतलब आप जहाँ पे वोट डालने जाते हैं, पोलिंग बूथ, तो इसका नाम है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर आपका यहाँ पे पोलिंग स्टेशन का नाम यहाँ पे नहीं है तो आप नीचे देखिए 1 2 3 4 ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर एक नंबर पे नहीं है तो दूसरे नंबर पे ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा वाला आ गया पेज। उसके बाद अगर यहाँ से भी आपका पोलिंग स्टेशन नहीं है यहाँ पे, तो आप तीसरी नंबर पे क्लिक कर दें।
उदाहरण के तौर पे हम एक ले लेते हैं, कैसे आप वोटर लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, इसको ही ले लेते हैं हम। उसके बाद आप कैप्चा भर दे, उसके बाद आप व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर दें। ये देखिए दोस्तों, हमने जो उत्तर प्रदेश का आगरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आगरा सिलेक्ट की थी वो हमारे स्क्रीन पे आ गया। ये देखिए वोटर लिस्ट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए डिजी ग्लोब चैनल के साथ। जय हिंद।